नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की बात कार्यक्रम में हम बात करेंगे 7 जुलाई 2018 का प्रमुख करंट अफेयर्स को लेकर। तो जो दोस्त हमारे साथ पहली बार इस शो का हिस्सा बन रहे हैं, सभी से अनुरोध है सब्सक्राइब के आइकॉन और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ा हुआ लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, पहला सवाल है, जापान के धार्मिक नेता का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में 1995 के टोक्यो अंडरग्राउंड नर्व गैस हमले के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई है। तो उनका नाम है शोको असाहारा। ठीक है, ये 1995 में टोक्यो में अंडरग्राउंड में एक नर्व जो गैस ये हमला हुआ था, उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल है, रिलायंस द्वारा बीते वित्त वर्ष में कितनी राशि बतौर जीएसटी दिए जाने की घोषणा की है। तो सही जवाब है दोस्तों सी, 42,553 करोड़ रुपए जीएसटी प्रोवाइड कराया है रिलायंस जियो के द्वारा, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो अभी रिलायंस जियो ने अपना जो ब्रॉडबैंड सेवाएँ उनकी भी अभी फ़िलहाल में शुरुआत की है। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा ने अनुशासनात्मक पैनल ने शॉट पुट एथलीट इंद्रजीत सिंह को कितने साल को बैन कर दिया है। तो दोस्तों, उन्होंने नाडा ने डोपिंग के मामले में जो इंद्रजीत सिंह हैं उनको गंभीर सजा सुनाते हुए 4 साल का बैन लगा दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने चिन्हित जिलों में प्राथमिकता के आधार पर मिलने वाले कर्ज के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को पर्याप्त कर्ज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, ये दिया है 121 बैंकों को चिन्हित किया है, जिसमें अल्पसंख्यकों को पर्याप्त कर्ज मुहैया कराने के आरबीआई के साफ निर्देश हैं। पांचवा सवाल है, किस देश ने परमाणु ऊर्जा इकाइयों का निर्माण चीन में करेगा, जिसके काम शुरू होने की उम्मीद 2026 और 2027 है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ए, रशिया। देखिए, रूस जो है चीन में अब इन्वेस्ट एटॉमिक सेक्टर में भी जो है वो निवेश करने के मूड में है, क्योंकि अमेरिका से लगातार चीन की तनातनी चल रही है, उसके बीच ये समझौता काफ़ी अहम होगा। किस हाई कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को रोडवेज सार्वजनिक परिवहन के सभी ड्राइवरों को आंखों की जांच 15 दिनों में कराने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, ये एक और फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा आया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पर्यावरण से जुड़े हुए मामलों पर भी पिछले काफ़ी दिनों से डिसीजन दे रखे हैं। किस देश ने निजी तौर पर संचालित हिंदू धर्म स्वामी नारायण स्कूल बंद करने से रोकने हेतु एक हस्ताक्षर अभियान में करीब 3500 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों, ये किए हैं ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में इसे बंद करने की घोषणा की है, लेकिन समर्थन में इसके 3500 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए। नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस में भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये नीति आयोग करेगा नई दिल्ली। देखिए, वैसे नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में ही है, तो निश्चित रूप से इसका जो जवाब भी आपको नई दिल्ली ही लगाना चाहिए। ठीक है, ये सितंबर के आसपास महीने में होगा। यूके नेशनल एशियोनिक ग्राफिक सेंटर द्वारा शोध पत्र के अनुसार 2100 तक समुद्री जल स्तर तो बढ़ोतरी में प्रतिवर्ष वैश्विक कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, ये आएगा 14 ट्रिलियन डॉलर का। ठीक है, समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष यात्री बचाव प्रणाली का किस स्थान पर परीक्षण किया। तो दोस्तों, ये किया आपके श्रीहरिकोटा में। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। बैंक ऑफ चाइना से पहले चीन का कौन सा बैंक भारत में काम करने की अनुमति दी जा चुकी है। तो दोस्तों, ये बैंक है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। इससे पहले, इसके बाद जो है बैंक ऑफ चाइना को आरबीआई ने भारत में बैंक खोलने की अनुमति दी है। भारत में कुल मिलाकर 45 बैंक कार्य कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो कि ब्रिटेन का बैंक है उसके सबसे ज़्यादा शाखाएँ हैं। ये दोस्तों आखिरी सवाल है, यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में किस विवादित विधेयक को यूरोपीय संसद में रद्द कर दिया था। दोस्तों, सही जवाब है इसका यूरोपीय यूनियन कॉपीराइट कानून को। ठीक है, यूरोपीय यूनियन का जो विधेयक है वो दोस्तों, जब यूरोपीय संसद वह होती है जिसमें कि यूरोप के जो यूरो के जो सदस्य हैं ना, वो इसमें भाग लेते हैं और अपने देशों के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं चीज़ों को, और
उस पर विधेयक पारित करना है नहीं करना है उस पर अपनी राय रखते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों आज 7 जुलाई का करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।